हेलो दोस्तों, मेरे चैनल सत्तू जर्नी में आपका स्वागत है। तो आज का तारीख है 29 दिसंबर 2022 और शाम के 4 बज रहे हैं और मैं हूँ मनाली के सोलंग वैली में। तो आज को वीडियो होने वाला है मनाली करंट सिचुएशन अपडेट के रिगार्डिंग। तो यहाँ टूरिस्ट की खचाखिच भीड़ है मनाली के सोलंग वैली में। तो जैसे कि स्नोफॉल का प्रिडिक्शन था 29 और 30 दिसंबर को अच्छी खासी बर्फबारी स्टार्ट हो सकती है मनाली के सोलंग वैली में। तो अभी शाम के 4 बज रहे हैं तो हल्की हल्की बर्फ की फुहार चालू हो गई है। तो जहां दोपहर 2 बजे स्टार्ट होने वाला था लेकिन टाइम एक्सटेंड होते होते ये शाम के 4 बज गए, लेकिन फाइनली मनाली के सोलंग वैली में बर्फबारी स्टार्ट हो गई है। और मौसम का जैसा प्रिडिक्शन है कि आज भी बर्फबारी होगी पूरी रात और कल भी बर्फबारी होगी 30 दिसंबर को भी। तो फाइनली एक लंबे इंतजार के बाद दिसंबर के महीने में मनाली के सोलंग वैली में बर्फ देखने के लिए मिलेगा। और आपको सब तरफ से जो टूरिस्ट आए हैं जहां से घूमने के लिए, और सबकी अपेक्षाएं थी कि बर्फ देखने के लिए मिले, मनाली विजिट करें, तो उनकी अपेक्षाएं अब पूरी होते हुए नज़र आ रही है। तो आप भी यदि दिल्ली में रहते हैं, चंडीगढ़ में रहते हैं, तो 8 से 10 घंटे का ड्राइव करके आपको मनाली पहुंचना चाहिए यदि आप प्रत्यक्ष या लाइव स्नोफॉल देखना चाहते हैं, क्योंकि 30 दिसंबर को भी सबसे ज़्यादा स्नोफॉल की संभावना है। 29 तारीख को 70% स्नोफॉल की संभावना बनी हुई थी, लेकिन 30 तारीख को 80-90% स्नोफॉल की संभावना है। तो काफ़ी ज़्यादा स्नो होने वाला है कल। तो कल यदि आप दिल्ली या चंडीगढ़ रहते हैं तो यहाँ जल्दी पहुँच जाएँ और इस स्नोफॉल को आप इंजॉय कर सकते हैं मनाली के सोलंग वैली में। ये है सोलंग वैली का पैराग्लाइडिंग लैंडिंग पॉइंट। तो यहीं पर जो पैराग्लाइडिंग एक्टिविटी होती है यहीं पर लैंड होती है। तो अच्छा खासा समतल और बड़ा मैदान है, और यदि कल यदि काफ़ी यदि ज़्यादा बर्फबारी यहाँ पर हो जाती है तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको स्नो बाइक भी देखने को मिलेगा और बहुत सारी स्नो एक्टिविटी भी यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी, जैसे स्कीइंग और स्केटिंग की भी एक्टिविटी यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी हल्की हल्की बर्फ गिरना चालू हुई है और कल तक का ये शाम तक का बर्फबारी होने का अंदाजा है, मौसम विभाग ने जैसा बताया है। तो काफ़ी ज़्यादा बर्फबारी होने वाली है। और चारों तरफ का नज़ारा दिखाता हूँ मैं, शाम के टाइम का है ये, शाम 4 बजने वाले हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा कि वीडियो बना लूँ और आज का करंट अपडेट स्टेटस आप लोग के साथ शेयर करूँ, जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा। सोलंग वैली में वीडियो शूट करते हुए 29 तारीख को मुझे मिल गए हैं अच्छे खासे बड़े यूट्यूबर हैं। अरे बड़े यूट्यूबर नहीं, अन्नी ब्लॉग बनाते हैं, इनका नाम है अन्नी ब्लॉग। तो ये बताएंगे कुछ सोलंग वैली के बारे में। फ्रेंड्स, में सबसे पहले आपने जो चैनल है सत्तो व्लॉग्स, मैं भैया को अप्रिसिएशन देना चाहता हूँ कि इनके मैंने व्लॉग्स देखे थे सोलंग वैली के और मनाली के अपडेट के लिए। बहुत अच्छे से इन्होंने आपको बहुत अच्छे से गाइड भी किया है कि कब आना है, कब नहीं आना, कब स्नोफॉल मिलने वाला है। लाइव स्नोफॉल ही आपको दिखा रहे हैं, 29 तारीख की डेट है आज 2022 दिसंबर, और यहाँ पे लाइव स्नोफॉल फाइनली आपको मिल चुका है सोलंग वैली में और मनाली में ही मिलने वाला है। और आई होप आप इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आपको अपडेट आने वाले टाइम पे बहुत अच्छी मिलने वाली है। नहीं, मैं तो जानकारी आप लोग के साथ शेयर कर ही रहा हूँ मनाली का और जो भी सोलंग वैली का, लेकिन आप इनका भी अन्य ब्लॉग को चैनल को फॉलो करें। थैंक यू सो मच। इनके भी वीडियो काफी अच्छे हैं। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे वीडियो, ये क्वालिटी वीडियो देते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। इनके वीडियो पे भी आप बने रहें। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। तो आप देख ही रहे होंगे यहाँ पे बहुत सारे यूट्यूबर आए हैं और सब लोग वीडियो शूट कर रहे हैं। खासकर स्नोफॉल तो जब 14 नवम्बर को हुआ था पिछले टाइम, तो मैं तो रहता हूँ मनाली में ही, तो मैंने विजिट करके तो वीडियो शूट कर लिया था। बाकी लोग शूट कर नहीं पाए थे, यहाँ पर ब्लॉगर की यूट्यूबर की भीड़ लग रखी है। जो सैलानी खासकर आए हैं यहाँ पर, तो उनके चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही है। ठंड काफ़ी है यहाँ पर, बर्फ गिर रही है लेकिन ठंड भी अच्छी खासी बनी हुई है। और ये चारों तरफ का ये व्यू देखिए, काफ़ी सुंदर और खूबसूरत दिखाई दे रहा है। तो पैराग्लाइडिंग भी अभी दबा के हो रही है और यहाँ पर पुलिस वाले अनाउंसमेंट भी कर रहे हैं कि बर्फबारी स्टार्ट हो गई है, तो बेहतर होगा आप मनाली की तरफ चले जाएं, नहीं तो जो गाड़ी से आते हैं तो बर्फ गिरने के बाद गाड़ी स्किड करने लगती है, चाहे कार हो चाहे बाइक हो, उनके भी अनाउंसमेंट स्टार्ट हो गई है। लेकिन ऐसा होता है कि टूरिस्ट तो पहली बार आए हैं मनाली और पहली बार बर्फ को देख रहे हैं, तो हर हालत में इस
बर्फ को एंजॉय करना चाहते हैं, इस ब्यूटीफुल मोमेंट को वो छोड़ के जाना नहीं चाहते हैं, इसलिए अनाउंसमेंट के बाद भी वो इस पैराग्लाइडिंग लैंडिंग पॉइंट पे बने हुए हैं और जम के बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। और जमीन पे हल्की हल्की अब लेयर आपको दिखाई दे रही होगी स्नो की, तो जैसे जैसे ये बर्फबारी तेज होगी तो स्नो यहाँ पर जमने लगेगा। और कल मैं फिर यहाँ पर आऊँगा और फिर कल का अपडेट मैं दूंगा कि यहाँ पर कितना फीट बर्फ गिर गया है, आधा फीट, एक फीट, दो फीट, और जो भी यहाँ पे माहौल रहेगा, स्नो एक्टिविटी रहेगी, टूरिस्ट की भीड़ रहेगी, वो सारी चीज़ें मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगा अपने इस चैनल पर। तो ये पैराग्लाइडिंग की एक्टिविटी हो रही है, जमकर लुत्फ उठा रहे हैं, तो सैलानियों की भीड़ यहाँ पर ठहर गई है, कोई भी जाना नहीं चाहता है। शाम के 5 बजने वाले हैं बिल्कुल, और इधर बहुत सारी एक्टिविटी भी हो रही है, ऑफ रोडिंग बाइक की एक्टिविटी भी हो रही है इस तरफ। और माहौल देखेंगे तो माहौल तो बर्फबारी में सुहावना हो जाता है, खूबसूरत हो जाता है और भी। और सामने याक वाले खड़े हैं, तो याक राइडिंग करना हो तो याक राइडिंग भी करिए। और लोग धीरे धीरे जाना चालू हो गए हैं मनाली की तरफ, इधर देखिए खुशी देखिए इनके चेहरों पर, अच्छा खासा फ़ोटो शूट करवा रहे हैं ये याक पर। और इधर आगे की तरफ चलेंगे इधर, तो उधर घोड़े वाले खड़े हैं, तो घोड़े में एक्टिविटी करना हो तो उस तरफ है, कुछ कुछ है, बाकी लोग स्नोफॉल स्टार्ट होते ही घोड़े वाले भी चले गए हैं बिल्कुल। और सामने देखेंगे तो सामने है हाईवे, और जो जाता है मनाली की तरफ, और एक रास्ता चली जाता है अटल टनल की तरफ। यहाँ पर बहुत सारे खाने के स्टॉल लगे हुए हैं छोटे छोटे, तो यहाँ पर टूरिस्ट की भीड़ लग रखी है। ये आ रहे हैं अटल टनल से, ये रास्ता जाता है फिर ये मनाली की तरफ, तो देखिए टूरिस्ट की भीड़ काफ़ी है यहाँ पर। तो यदि आप प्लान कर रहे हैं ईयर के एंड में इधर आने का, तो कोशिश कर ले अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह आप इधर आ जाए सोलंग वैली की तरफ, नहीं तो ट्रैफिक जाम में आप फंस जाएंगे, 10 बजे 11 बजे निकलेंगे तो फिर सोलंग वैली भी नहीं पहुंच पाएंगे और बर्फ भी आप नहीं देख पाएंगे। इधर देखिए स्टॉल ही स्टॉल है खाने पीने के, और भीड़ लगी हुई है यहाँ पर अच्छी खासी, यहाँ पर आपको देख कर तो पता ही लग रहा होगा। तो जैसे जैसे भीड़ बढ़ रही है स्टॉल की संख्या भी यहाँ पर बढ़ रही है, मौसम में ठंडक बढ़ गई है, हाथ भी जमने लगा है बिल्कुल, फ्रीजिंग कोल्ड टेम्परेचर हो रहा है। और कल के बाद तो परसों जब बर्फबारी बंद हो जाएगी तो और भी टेम्परेचर गिर जाएगा और बिल्कुल और भी ज़्यादा ठंड हो जाएगा मनाली में, लेकिन अभी लोगों की भीड़ के कारण ठंड है, फिर भी गर्माहट बनी हुई है लोगों की, यहाँ पर देख कर लबालब यहाँ पर भीड़ हो रखी है। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन और ये वीडियो पसंद आया होगा स्नोफॉल के रिगार्डिंग, इसी तरह के अपडेट आप लोग के साथ शेयर करते रहूँगा। और कल भी 30 तारीख को आऊँगा मैं यहाँ पर, और यहाँ का लेटेस्ट अपडेट आप लोग के साथ शेयर करूँगा अपने इस चैनल पर। तो इस चैनल पे बने रहना चाहते हैं तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ज़रूर से कर लें इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखते रहने के लिए।